नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बेसन मिल्क केक मिठाई रेसिपी। झटपट से इस मिठाई को आप घर के ही कुछ सामान से बना के तैयार करेंगे और देखिए कितना बढ़िया यहाँ पे बेसन मिल्क केक बनके तैयार हुआ है। एकदम दानेदार और एकदम सॉफ्ट, देखने से ही पता चल रहा होगा बहुत ही परफेक्ट बना है, एकदम सॉफ्ट है और दानेदार। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं इस सॉफ्ट सी मिठाई को बनाना। इसे बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक कप चीनी लेना है। चीनी में आधे कप पानी डाल देना है और इसे हमें इसी तरह से पकने देना है। पहले हम चीनी को चला देंगे ताकि थोड़ा सा ये घुल जाए। इसके बाद हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए पकने देंगे। यहाँ पे इसी तरह से हमें चाशनी बना के तैयार करना है। 2 से 3 मिनट बाद आप चम्मच ले लीजिए और इसे चेक कर लीजिए। जब इस तरह से आपको ये चिपचिपी तेल जैसी गाढ़ी दिखे या फिर इसका हल्का सा तार बन रहा हो तो ये परफेक्ट हमारी चाशनी बन के तैयार है। तो इसी तरह की चाशनी हमें चाहिए है इस मिठाई को बनाने के लिए। तो आप चाहें तो उंगलियों से भी चेक कर सकते हैं, इस तरह का तार हल्का सा बनेगा या फिर आप चिपचिपी तेल जैसी गाढ़ी चाशनी बना के रख लीजिए। तो बस अब हमारी चाशनी पक चुकी है और अब हम इसे निकाल लेते हैं और देखें जब ये ठंडी हो जाएगी तो मैं इसे दोबारा भी चेक कर लूँगी। वैसे ये परफेक्ट बन गई है और इसे साइड रखेंगे। और अब क्या करेंगे, 1 कप दूध ले लेंगे और दूध को हम गर्म करेंगे। दूध को हम इसी तरह से गर्म करेंगे मीडियम आंच में ताकि दूध हमारा जल्दी से पक के तैयार हो जाए, क्योंकि आज हम बेसन मिल्क केक बनाने वाले हैं और झटपट से ये मिठाई बन जाती है। सबसे अच्छी खास बात ये है कि इस मिठाई को आप महीनों स्टोर कर सकते हैं, ये नहीं ख़राब होने वाली, क्योंकि बेसन से बनी मिठाइयाँ काफ़ी लंबे समय तक चलती हैं। तो इस मिठाई को भी आप रख सकते हैं। अब हम दूध को इस तरह से चलाते जा रहे हैं और किनारों की मलाई भी साथ साथ निकालते जा रहे हैं और इसे हमें इसी तरह से पका के अच्छे से गाढ़ा कर लेना है। जैसे मावा होता है ठीक उसी तरह से इसे हम पकाते हुए गाढ़ा कर लेंगे। अगर आप इसे फुल आंच में पकाएंगे तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 7 से 8 मिनट में ही ये बनके तैयार हो जाएगा। और देखें दूध काफ़ी गाढ़ा हो गया है। जब इस तरह से गाढ़ा हो जाएगा तो इस तरह से हम चलाते जाएंगे, थोड़ा सा और हमें गाढ़ा करना है इसे, जैसे मावा होता है ठीक उसी तरह से। तो देखें ये परफेक्ट अब हमारा दूध गाढ़ा हो चुका है, इस तरह से ये दिख रहा है। पैन अभी गर्म है तो हम इस तरह से इसे फैलाकर छोड़ देंगे तो ये और भी ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। तो गैस को बंद करेंगे और इसे साइड रख देंगे। इसे साइड रखने के बाद एक कढ़ाई ले लीजिए और 1/2 कप इसमें देसी घी डाल दीजिए। अगर आप देसी घी नहीं डालना चाहते हैं तो डालडा से भी बहुत ही अच्छी मिठाई बन जाएगी, या फिर रिफाइंड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे हल्का सा गर्म करेंगे, साथ में हम बेसन डाल देंगे। तो बेसन आपके पास जो भी हो वो ले सकते हैं, बारीक वाला है या मोटा वाला। और जैसे दानेदार बेसन कैसे करना है मैं आगे बताऊंगी आपको कि कैसे इस बेसन को आप दानेदार कर सकते हैं। तो कोई भी बेसन इस्तेमाल कर सकते हैं और इस घर से घी में डालकर इस तरह से चलाते जाइएगा। और जब ये बेसन भूंजकर तैयार होगा ना तो पूरे घर में इसकी खुशबू फैल जानी है, क्योंकि जब बेसन भूंजता है तो आसपास के लोगों के पास भी खुशबू आ जाती है, बहुत ही बढ़िया घर महकने लगता है। तो बस धीमी आंच में जब बेसन भूंजेंगे तो इस तरह से हल्का हो जाएगा और इससे सोनी सोनी खुशबू आएगी, हल्का सा आपको इसका कलर भी चेंज दिखेगा। ऐसा नहीं है कि बेसन भूंजने के बाद इसका कलर चेंज ना हो। तो जैसे ही इसका हल्का सा कलर चेंज होगा तब तक हमें इसे भूनना है। और भूनने पर जब ये परफेक्ट भून जाता है तो हल्का सा घी भी छोड़ देता है, एकदम सॉफ्ट सा हो जाता है। अब देखिए ये हल्का हो गया है, काफ़ी हमारा बेसन भून चुका है, कुछ इस तरह से इसमें कलर आ गया है। जैसे जैसे मैं इसे चला रही हूँ वैसे वैसे इसका कलर चेंज होता जा रहा है। और इसी से आज आपकी परफेक्ट मिल्क केक मिठाई बनके तैयार हो जाएगी। बेसन मिल्क केक अगर आपने पहले कभी ट्राई नहीं किया है तो अब ट्राई करिएगा, बहुत ही स्वादिष्ट लगता है।
अब यहाँ पे देखें बेसन का एकदम कलर चेंज हो गया है। बस इसी तरह का कलर हमें चाहिए था इस मिठाई को बनाने के लिए। एकदम परफेक्ट ये भुन के तैयार है। इस समय आप चाहो तो आँच को बिल्कुल धीमा कर सकते हो या फिर बंद आँच में भी ये काम कर सकते हो। और जो मावा है ना, जो हमने बना के रखा था, इसमें डाल देंगे। और इस तरह से जब इसे डालेंगे तो अपने आप ही ये फूलने लगेगा और अच्छे से पकने लगेगा। एकदम दानेदार इसी से हमारा बेसन हो जाएगा। और अगर आप इस मावा का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप आधे कप दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसे थोड़ा थोड़ा करके इस भुने हुए बेसन में डालते जाइएगा। तो बस अब हम क्या करेंगे, जो चाशनी हमने बना के रखी है इसे भी डाल देंगे। तो जैसे मैंने बताया, चाहो तो आँच को धीमे पे कर दो या फिर बंद पे करके सारी चीज़ें पहले मिला लो। तो देखें इस तरह से आपको ये कुछ दिखने लगेगा चाशनी डालने के बाद, एकदम मतलब दानेदार रसीला सा। और इसी तरह से अब हमें इसे चलाते रहना है। थोड़ा सा हम इसे थिक करेंगे धीमी आँच पर, बहुत ज़्यादा नहीं करना है कि ताकि हमें सॉफ्ट एकदम मिल्क केक मिठाई बनानी है। अभी एकदम परफेक्ट पक के तैयार हो चुका है, इसी तरह से रहेगा। गैस को बंद कर देंगे और एक केक टिन ले लेंगे और उसे ग्रीस कर लेंगे। इस तरह से जब ग्रीस कर लेंगे तो फिर इसमें हम मिठाई जमा पाएंगे। आप चाहो तो कोई बटर पेपर वगैरह भी इसमें बिछा सकते हो और हल्का सा इसे ग्रीस कर सकते हो। और अब जो मिठाई का बैटर है हम इसमें फैला देंगे। तो अब मैंने इसे इसी तरह से डाल दिया है और चारों तरफ अच्छे से फैला दिया है। कुछ इस तरह से ये हो गया है। अब हमें इसे इसी तरह से छोड़ना होगा। देखिए कितना रसीला बढ़िया हमारा बेसन मिल्क केक बनके तैयार हो गया है। हल्के से आप ड्राई फ्रूट इसके ऊपर डालना चाहो तो डाल सकते हो। अब हम इसे इसी तरह से छोड़ देंगे। ये देखें, जब आप इसी तरह से छोड़ देंगे बढ़िया से ये सेट हो जाएगा, फ्रिज वगैरह में रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और फिर आप इसे निकालेंगे तो ईज़िली ये निकल आएगा। एकदम जाली सी इसमें पड़ी दिखेगी आपको और एकदम सॉफ्ट भी बना है। तो इसे हम पलट देते हैं बहुत ही इजी तरीके से, कुछ इस तरह से। और अब हम इसे कट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं चौकोर पीस में इसे कट कर रही हूँ। पीसेस अपने हिसाब से आप छोटे बड़े जैसे करना चाहें कर सकते हैं। बेसन मिल्क केक मिठाई हमारी बनके तैयार हो गई है। और देखें मैंने इसे कट भी कर लिया है। अब मैं इसे आपको पास से दिखा देती हूँ कि कैसी बनी हमारी मिल्क केक मिठाई रेसिपी। एकदम सॉफ्ट है, मुलायम है, दानेदार है और महीनों इसे स्टोर भी कर सकते हैं। तो देखें आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि कैसी लगी हमारी बेसन मिल्क केक की रेसिपी। एकदम सॉफ्ट और मुलायम बनती है। रेसिपी पसंद आ जाए तो रेसिपी को लाइक करिएगा, हो सके तो कमेंट में बताइएगा कि कैसी लगी ये सॉफ्ट बेसन मिल्क केक रेसिपी।